जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने एक नए एंजाइम की खोज की है। प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत ने बताया कि उनके द्वारा खोजे गए एंजाइम को किसी पादप के मूल में स्थानांतरित करने के बाद पादप के स्ट्रेस को कम कर देता है। उन्होंने बताया कि इससे कोई भी क्रॉप अधिक तापमान में भी कम पानी के साथ जिंदा रह सकती है। ये लवणीय मिट्टी में भी पादप के जिंदा रहने की क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि इस एंजाइम का नाम हीम ऑक्सीनाइज एंजाइम रखा गया है। राजस्थान जैसे उष्ण जिस प्रदेश में ये काफ़ी कारगर साबित होगा। साल पहले जब हमने काम शुरू किया था तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किलें थी कि क्योंकि एनिमल सिस्टम का एंजाइम है और प्लांट में हमने देखा तो इसके मेन जो प्रॉब्लम थी वो प्रोटोकॉल थी, हम इसको प्लांट में कैसे इवेलुएट करें। तो एनिमल सिस्टम के कुछ प्रोटोकॉल्स थे उनको हमने ट्राई किया, लेकिन क्योंकि वो प्लांट और एनिमल सेल बिल्कुल अलग तरह का सेल्स होती हैं तो उससे उसका इवेल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो हमने उस प्रोटोकॉल को डेवलप किया। जो सबसे इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट है वो विग्ना रेडिएटा में था कि जो सोल्ट अफेक्टेड सॉइल है उसके अंदर हम इसको इस जहाँ ज़्यादा सोल्ट स्ट्रेस है उसमें ये एंजाइम का इम्पॉर्टेंट रोल हमें मिला, ये ओवर एक्सप्रेस मिला। तो ये कहीं ना कहीं जो सोल्ट स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में प्लांट की मदद कर रहा है। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसका था कि ये इसको हम एज एन सोल्ट के साथ जो स्ट्रेस है उसमें प्लांट को सर्वाइव करने में मदद कर रहा है। दूसरे जो प्लांट है उसमें मेटल और सोल्ट दोनों हमने ट्राई किए तो दोनों मिक्स स्ट्रेस भी दिया और इंडिविजुअल भी देखा। तो ये हमने इसको एज एन स्ट्रेस जो प्रोटीन है वो हम इसको कह सकते हैं।